अर्धसैन्य बलों की सेना की ही तरह वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रत्यावेदन के जवाब में ये बात कही है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की सेना के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है, इसलिए उनको वन रैंक वन पेंशन भी नहीं दी जा सकती है। सेना और अर्धसैन्य बलों के सेवा नियमों और रिटायरमेंट की उम्र में फर्क होता है। अर्धसैन्य बलों की मांग थी कि किसी भी ऑपरेशन में अगर उनका जवान शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। गृह राज्य मंत्री ने शहीद का दर्जा देने की मांग पर कहा कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से बात की जा रही है। वैसे हम आपको बता दें कि सरकार के रुख से नाराज होकर कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 5 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। फेडरेशन का कहना है कि कश्मीर और नक्सल इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान आए दिन शहीद होते हैं, लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता। फेडरेशन ने वेतन से जुड़े मुद्दों में बराबरी की मांग की है और सेना ही की तरह अर्धसैन्य बल के जवानों को सुविधाएं और भत्ता देने की भी मांग की है।